हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम 24 का वर्गमूल कैसे निकालें यह सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं अपना अनरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं आप जानते हैं, और यहाँ पर हम अपना भाग विधि काम में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 24 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 24 से बड़ा ना, और यह संख्या हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 1 से लेकर 9 के बीच लेते हैं। जैसे 4 गुणा 4 करते हैं कितना रहा, 16। यह देखिए 24 से छोटा है। अब इससे एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, जैसे 5 गुणा 5 25 आ गया, ये आपका 24 से बड़ा है। जैसे 24 से बड़ा आता है हमें वहाँ रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को, यानी किसको लिया हमने यहाँ पर 24 के लिए 4 गुणा 4 को लिया। ओके, कितना होता है बच्चों, 16 होता है। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना रहता है, इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है। कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सर्वप्रथम संख्या का चुनाव किया, उसके बाद संख्या को ऐसे व्यवस्थित किया, उसके बाद जोड़ा और घटाया। अब दोस्तों आप जानते हैं गणित में किसी भी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब इन आगे के जीरो को काम में लेने के लिए हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ ऊपर आ जाता है, और ये जीरो आपके यहाँ आ जाते हैं। कितना बन गया, 800। अब इस 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना है। देखिए कोशिश करते हैं, 8 के साथ यदि 8 को लेते हैं तो 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 8 8 64 और 6 कितना आ गया, 70। किसको लिया हमने, 8 को लिया, और यह पॉइंट आपका है जो यहाँ आ गया, ठीक है। पॉइंट को लिखना भूलना नहीं। उसके बाद इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, घटाने पे कितना आ गया, और ऊपर से है जो 2 जीरो यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हम 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं तो 99 81, 8 कैरी चला गया, 954 और 8 कितना, 62। 6 किराया 81, 6 कितना, 87। फिर घटाना है जोड़ना है, ऐसे करके आपका आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। यह जो संख्या बनी है कितना, 4.89, यह 24 का वर्गमूल है।